हेलो गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रोटी सैंडविच, मम्मी मेरे स्टाइल का। तो अभी मेरी बहन बताइए तो कैसे बनाते हैं। मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं हन्नू को दूंगा अपना रेसिपी बताने के लिए। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अप्लाई कर सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। तो गाइस, पहले हम लोग यहाँ पर तवा रख दिया, तो गाइस हम लोग यहाँ पर तवा रख दिया, गैस कुछ ऑन नहीं है, बताता हूँ मैं। तो गाइस मैं रोटी सैंडविच बनाऊंगा, दो रोटी से, एक रोटी मेरी बहन का एक रोटी मैं खाऊंगा। ओके, तो गाइस मैंने ले लिया यहाँ पर एक रोटी, और ये ओरिगैनो, सेजवान चटनी, चीज़ और प्याज। तो हम लोग इस प्याज को आधा आधा काट के हर एक रोटी में एक डालेंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसको प्याज को अच्छे से चॉप कर लेते हैं, प्याज को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो गाइस मैं प्याज काटने जा रहा हूँ, गाइस मैं प्याज काटने जा रहा हूँ। तो गाइस अच्छे वैसे वैसे ही काट लेना जैसे आप लोग काटते हो। अरे यार ऐसा ऐसा होता है, अगर पहली बार बनाऊंगा तो गाइस ऐसे ही होता है ना। तो गाइस यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है, अब इसको ले इसके जो कवर उसको हटा देता हूँ मैं। इसको कवर नहीं, इसका छिलका बोला जाता है। गाइस कमेंट करके बताना प्याज के जो इधर होते हैं, ये जो होता है ये, इसको कवर बोला जाता है छिलका, कमेंट प्लीज। तो गाइस मैंने यहाँ पर प्याज को धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। अब पहला काम, नहीं तो मम्मी ना अगर वो नहीं किया तो मम्मी बहुत डांटेगी, इसको कटले को फेंकना। ये तो है ही ना गाइस, ये तो है ही इनका। गाइस वेलकम। तो प्याज को आधे में कट कर लेना है, फिर से धो लेना है, फिर हमारे हाथ गंदे हो चुके। फिर से धो लिया, इसको आधे में कट कर देना है, आधे में कट कर, फिर इसको अच्छे से चॉप कर लेना। ध्यान से काट लो, आज कट जाएगा। अनु चुप रहे गाइस, देखो कुछ भी बोल रही है मान साहब। चलो गाइस यहां पर चॉप कर दिया, अरे देखो चॉप किया किया प्याज को, बोल रहा था ध्यान से काटो उंगली कट जाएगा, देखो उंगली कट गया। गाइस ये सारे प्याज डलेंगे एक सैंडविच में। क्या गाइस देखो, मैंने बोला था ध्यान से काटना उंगली कट जाएगा, फिर भी इन्हें ध्यान से नहीं काटा, उंगली इनका कट गया, पता मेरे। तो गाइस अब मैं जाने जा रहा हूँ सैंडविच इस रोटी में, सैंडविच बोलता हूँ सॉरी गाइस, सेजवान चटनी, सेजवान चटनी जो है ये डालूंगा। इससे पहले मैं चम्मच निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा ही पता गाइस मेरी बहन ने खत्म कर दिया। गाइस मुझे रोटी एंड सब्जी के साथ चना चटनी लेने का बहुत अच्छा लगता है, इसमें खाते हैं। गाइस इतना सीजन चटनी ले लिया, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, देखो ऐसे कर लेना। गाइस प्लीज एक बार अपने घर में ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, ये डिश बहुत आसान भी होती है, ज़्यादा इसमें चीज़ भी नहीं चाहिए होता है, बस एक चीज चटमा चटनी बच्ची चटमा चटनी ओरिगेनो जो रोटी बच्चा होगा ये और प्याज। तो गाइस जैसे हो गया प्याज, अब इसको हम लोग क्या करते देखो, 3 2 1 देखो ना टीटा बनने लगता। गाइस देखो देख रहे हो ना, हो गया। अब हम लोग गाइस चलते प्याज, आपको कट करा हुआ था मैंने प्याज चॉप करके, आपको जो मैंने दिखाया था चॉप किया था इनने प्याज को, और प्याज स्प्रेड कर लेते देख लो मैं, फिर गाइस अब गाइस का कमेंट आएगा आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं सैंडविच बना के, तो मैं कैसे बनाऊं। देखो गाइस हो गया, फिर भी अगर किसी को कमेंट है मुझे अच्छे से नहीं, गाइस हम डालेंगे चीज, गाइस कट करके रखा है पहले से। गाइस अगर किसी को कमेंट है ये बनाओ तो मैं बना देता हूँ, ये बनाओ फिर हम लोग
बना देंगे। वो भी अगर किसी को रोटी सैंडविच अच्छे से नहीं देखे फिर भी ये बना सकते। मम्मी का फोन आया, अभी रुकना।